हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम प्लस यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2022 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर आपको शो करने वाला हूँ। तो इस क्वेश्चन पेपर को मैं आपको शो करूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसे जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। तो जैसा कि देख सकते हैं नोट के रूप में लिखा है, सभी प्रश्न अनिवार्य अर्थात आपको सारे प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत दोहे की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, तो आपको संदर्भ के साथ जो है वह व्याख्या करना है। दूसरा प्रश्न है, किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर लिखिए, तो क ख ग घ अंग करके यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं च और छ भी है, तो केवल पांच ही प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, तो देख लीजिए किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, और अगर स्पष्ट रूप से न दिख रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी यूट्यूब की सेटिंग से बढ़ा लीजिएगा। तो मैं और आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप भविष्य में भी जो है क्वेश्चन पेपर जो है आपका एग्जाम के लिए देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपके लिए काफ़ी उपयोगी यह चैनल है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए, तो यहाँ पर क ख ग घ करके देखिए आपको वाक्यांश दिया गया है, इनके लिए एक शब्द आपको लिखना है। इसके बाद आपका चौथा प्रश्न है, किन्हीं तीन मुहावरों के अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो क ख ग घ अंग करके यहाँ पर आपको पांच मुहावरे दिखाई दे रहा है, लेकिन केवल तीन ही का आपको अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। इसके बाद आपका पांचवा का जो क वाला प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए, अन्याय का, साधारण का, स्थायी का, मूर्ख का, उपस्थित का। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं ख वाले में कह रहा है कि प्रद प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। आपको देखिए यहाँ पर कष्ट, आनंद, हानि, लाभ, ज्ञान यह सब दिया गया है, इन्हीं में आपको प्रद प्रत्यय जोड़कर नए शब्द जो है आपको बनाना है। ठीक है, इसके बाद आपको देखिए छठा प्रश्न है, कविता की रिक्त पंक्तियों को पूरा कीजिए, तो यहाँ पर जो आपको खाली स्थान दिखाई दे रहा है इस कविता को आपको पूरा करना है। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं नीचे भी है आपका शेष भाग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे लिखी गई भाषाओं का उनके प्रदेशों से मिलान कीजिए, तो किस प्रदेश में कौन सी भाषा है उसी से आपको मिलान करना है। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी में अनुवाद कीजिए, तो आपको हिंदी में अनुवाद करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, एक पद में उत्तर दीजिए, तो क ख ग घ अंग करके यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है जिसका उत्तर आपको एक ही पद में देना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो क ख ग घ करके देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वाक्य जिसमें खाली स्थान है, और जो ऊपर ब्रेकेस्ट में दिया गया है उन्हीं की सहायता से आपको खाली स्थान भरना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 का क है, मुनि अथवा धेनु शब्द का प्रथमा विभक्ति तीनों वचन के रूप लिखिए। इसके बाद ख वाला है, पा अथवा नी धातु लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष तीनों वचनों के रूप लिखिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, महान व्यक्तित्व नामक पुस्तक से किसी एक पाठ का सारांश लिखिए। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, किसी एक विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए, तो चाहे मेरा विद्यालय पे लिखिए या फिर विद्यार्थी जीवन और अनुशासन पे या फिर कोरोना महामारी का जीवन पर प्रभाव, किसी एक विषय पर आप जो है आपको ऐसे लिखना है अर्थात निबंध लिखना है और अपने विचार को व्यक्त करना है। तो स्टूडेंट्स, यह था कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर। आई होप मैंने आपको क्वेश्चन पेपर अच्छे से शो किया। तो आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो उसे जरूर ज्वाइन कर लें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके भविष्य में यह चैनल काफ़ी उपयोगी है, तो आप जरूर इसे जो है सब्सक्राइब करके रखें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।